जय हिंद दोस्तों। भारत से मैच हारने के बाद पाकिस्तान के लोगों के क्या रिएक्शन है आप इस वीडियो में देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम इसके लिए जिम्मेदार है और कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी टीम जिम्मेदार है। इसके ऊपर नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का ये वीडियो हम देखेंगे, जहां पर आपको पाकिस्तानी रिएक्शन देखने को मिलेगा। भारत से मैच हारने के बाद पाकिस्तानियों के मुंह किस तरह से लटके हुए हैं, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन्होंने मैकडोनल्ड ट्रंप से पैसे लिए, हमारे पास कोई बात नहीं, हमने तो रिक्शा भी नहीं चलाया, 7 बजे का खड़ा किया होगा पार्किंग में। लानत हो पर लानत है, लानत 120 नहीं कर पाए क्या बात, लानत इनके ऊपर, लानत इनके ऊपर। इससे अच्छा मल्ले की टीम जीत जाती है 120 को। साइड ठीक थी, बैटिंग साइड नहीं ठीक है, बैटिंग नहीं ठीक। बाबर के पास साथ साथ जाते रहे सारे, बाबर बाबर ही है बस, बाबर के पास क्या होगा, क्या चक्का होगा, चक्का क्या मैच चक्का होगा। आखिरी बॉल तक उम्मीद है, आखिरी बॉल तक उम्मीद है। भगवान की एंजाइटी देखे, सब खड़े हो चुके हैं, सब खड़े हो चुके हैं। जिताएगा इंशाल्लाह, नसीम शाह हार गया, हार गया, जिताएगा, जिताएगा नसीम शाह, हार गया, हर घर बगा रहे थे, अरे बहन 120 को भी बड़े छक्के लगाएगा नसीम शाह, दो छक्के, हर गया, हर गया, दो गेंद पे 12 स्कोर, हर गया, हर गया, हर गया, छक्का नहीं, रिक्शा नहीं चलाया, सुबह खड़ा हो जावे। Out. So pretty dramatic from Nasim Shah, and at the end of it, it's India. ए बगारत ने, बगारत ने लंडे मारने चाहिए ने, इन्हें को 120 स्कोर नहीं बनया, एक बॉल में 8 चाहिए, मतलब पाकिस्तान हार गया। सर क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर? लानत सब पे, लानत, लानत सब पे, लानत। और क्योंकि हॉल आवाम की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहोगे आज के मैच को लेकर? इतना अच्छा मैच जा रहा था, ये पाकिस्तान की बैटिंग, तो पाकिस्तान है, इसी को तो पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर। पाकिस्तान जीत सकता था अगर थोड़ा सा अच्छा खेलता, मजीद अच्छा खेलता, पर इनके थोड़े से बैटमैन ने अच्छा नहीं खेला, जिसकी वजह से उन्होंने विकेट छोड़ी, इसकी वजह से पीछे आ गया। नसीम शाह यार देख लिया, हार गया, हार गया, हार गया, 10 आउट करके भी नहीं जीत सके ये लोग। पाकिस्तान क्या कहेंगे, मर्जो लाना थे, बहुत बुरा खेला, इंतहाई बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बेस्ट ये बैट्समैन को चाहिए कि यहाँ रेस को आगे खेलें, खुदा के लिए टीम की जान छोड़ दो, इससे बेहतर है कि जो आप चले जाएं रेस कोर्स में, वो बैट्समैन ऐसे खेलते हैं, गली क्रिकेट खिलाओ, ये गली के भी काबिल नहीं है, क्रिकेट टीम पे इनको नकवी को कहते हैं खुदा की जान, पाकिस्तान की जान छोड़ दे, ए मौसम नकवी को कहते हैं पाकिस्तान की, हार गए ना, लाने दो पाकिस्तान टीम पे, इनको नकवी पे लाना दो, कनाडा से भी हार, कनाडा से भी हारना, इन्होंने सिलेक्टर को चाहिए, जितने सिलेक्टर हैं, जो टीम भेजी है, जिन्होंने टीम भेजी है, उनको डूब मरना चाहिए। पाकिस्तान का सिर्फ एक शोभा था जहाँ पे खुशी मिलती थी, वो था क्रिकेट, और जब से ये हुकूमत आई है माशाल्लाह, इन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैच बहुत अच्छा जा रहा था, उम्मीदें बड़ी थी जीत जाएंगे, हमारे पास कोई बात नहीं, हमने तो रिक्शा भी नहीं चलाया, 7 बजे का खड़ा किया होगा पार्किंग में रिक्शा, क्या इंडिया, इंडिया की स्ट्रीट का है, इन्होंने पैसे खाए, इन्होंने पैसे खाए, इंडिया की स्ट्रीट का, इन्होंने पैसे खाए, मैं आपको कहना इन्होंने पैसे खाए हैं, इन्होंने मैकडोनल्ड ट्रंप से पैसे लिए, सर आज के मैच का रिव्यू क्यों, ये पब्लिक को जाने दे, पब्लिक के तो रिव्यू नहीं है, आज 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 उस तरफ एग्जिट 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 सैड हो जाओ, हां एग्जिट एग्जिट एग्जिट, क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर?
बात कोई नहीं कर रहा, बात कोई नहीं कर रहा, क्या कहोगे आज का मैच? लड़ाई हो गई है, इन्होंने मैकडोनल्ड ट्रंप से 500 रुपया लिया, 500 डॉलर लिया। मैच तो बहुत, एक मिनट बात करने दो, ऐसे शोर से क्या होगा, हार तो गए सर, आप क्या कहेंगे? वैसे तो मैच जीतना चाहिए था क्योंकि ये आप मैच जीता हुआ हारे हैं, लेकिन एट द एंड मैं यही कहूंगा कि सिर्फ बाबर आजम को ब्लेम मत कीजिएगा, पूरी टीम खेल लिया, 11 लड़के खेले हैं, उन 10 को छोड़ के सिर्फ एक को मत पकड़िएगा, उन सब का भी उतना ही हिस्सा है जितनी बाबर की गलती थी, ठीक है, मानते हैं नहीं वैसा एक्सक्यूट कर सके जैसा करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ बाबर आजम को मत पकड़िएगा, ये जो भी बैठे हुए हैं चैनलों पर पूरी टीम को दबोचिएगा। हाँ, ये इफ्तिखार चाचू को चाहिए था कि फिनिश करता, अगर स्कोर कुछ भी नहीं था, 43 बालों पे 40 चाहिए था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये मेरा ख्याल अंडर प्रेशर आ गए और ज्यादा बॉल्स डोट। आप क्या कहेंगे, आज का मैच 8वें-9वें ओवर तक तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा था कि पाकिस्तान का वुमन टीम इसको भेज देते ना अमेरिका, तो वो जीत जाते, लेकिन ये नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ वर्ल्ड कप से बाहर नहीं पाकिस्तान टीम, बल्कि उसको दुनिया से बाहर होना चाहिए, इस टीम को कोई हक नहीं है क्रिकेट खेलने का। नहीं तो पार्क में अलाउड मीडिया बानी है, टाइम खत्म हो गया है पार्क का। हाँ जी, आप जाए प्लीज बाहर ले जाएं, ये तो मैसेज ऐप हो गया। तो पाकिस्तान की बॉलिंग की वजह से हम मैच जीत सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से नाकाम रहे हैं ये लोग, और ये लास्ट कोई 25 साल से इनके हालात ऐसे ही क्रिकेट बैटिंग में है। प्लीज़ हम चाहते हैं कि बाबर आजम को टीम से बाहर निकाल दिया जाए और इफ्तिखार को भी टीम से बाहर निकाल दिया जाए। यंगस्टर खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए, लेकिन उनको 50 मैच पहले जरूर। सारा मुद्दा बाबर पे क्यों डाले, पूरी की पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल है। नहीं नहीं नहीं, बाबर आजम की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कप्तान की हैसियत से चल रहे होते हैं, लेकिन बॉलिंग में हमेशा पाकिस्तान एवरेज रहा है। इंडिया का जो प्रॉमिस था कि पाकिस्तान को हराएंगे इस आज के मैच में, तो उनका जो वो वादा था वो पूरा हो गया, लेकिन हमारी उम्मीदें तो बहुत ज्यादा पैदा कर दी थी बॉलिंग वालों ने, लेकिन बैटिंग में हमेशा वो एज यूजुअल जो चल रहा है पिछले 25 साल से, आज भी वही इनके हालात है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की टीम नीली जर्सी देखकर किस कदर प्रेशर में आ जाती है। दरअसल उनको 120 रन पूरे करने में काफी मशक्कत करनी पड़ गई, लेकिन वो रन पूरे नहीं कर पाए। हालांकि अगर आप छोटी मोटी टीम देख लें तो वो भी 120 रन पूरे कर लेती है। कुछ पाकिस्तानियों का कहना यह था कि पाकिस्तान की बजाय अगर यूएसए खेल रही होती तो वो 120 रन बना लेती। आपको पता है कि यूएसए की टीम में भी काफी इंडियंस वहां पर है, बोले तो जो इंडियन अमेरिकन सिटीजन है वहां पे प्लाई कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के यूथ अभी बहुत ही निराशाजनक मुंह लेकर घर लौटे हैं, और कई जगह तो फतवे भी जारी हो गए हैं पाकिस्तानी टीम के खिलाफ। मुल्ला मौलवी ने फतवे जारी करने शुरू कर दिए कि भैया तुम भारत से कैसे हार गए, तुम्हारे खिलाफ फतवा जारी होता है। इस तरह का माहौल अभी पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर लग रहा है, और वहीं आज के समय में पाकिस्तान की टीम ये दुआ कर रही है कि भैया भारत फाइनल में हार जाए, भारत इस मैच में हार जाए, ये दुआएं पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। लेकिन दुआएं करने से कुछ नहीं होता, जब टीम अच्छा प्ले कर रही होती, टीम का रेस्पॉन्स अच्छा है, और टीम के खिलाड़ी जब एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छा बैलेंस लेकर चल रहे होते हैं, तो वहां पर हारने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। अब देखना ही होगा कि फाइनल मैच में कौन सी टीम किस कदर प्रदर्शन करती है, ये तो बात की बात है, लेकिन इस मैच में पाकिस्तानियों का हार के बाद जो निवाला छिन गया है वह बहुत बुरा हुआ है। वहीं यूएसए से भी हार गई और अभी भारत से भी हार गई, तो इस तरह का अभी पाकिस्तान में माहौल चल रहा है क्रिकेट को लेकर, और फतवे जारी हो रहे हैं लगातार। पाकिस्तान के लोग दुआएं कर रहे हैं कि भारत फाइनल मैच में हार जाए। दोस्तों, आपको नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का ये वीडियो कैसा लगा, जो कि नैला पाकिस्तानी ने लाइव लिया हुआ था, आपके जो भी विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।